हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, फाइनली आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए, जिसका इंतजार हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से कर रहे थे, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है आईपीएल की नीलामी की तारीख। इसके साथ ही इस बार मिनी आईपीएल होगा या फिर मेगा ऑक्शन, इसके साथ ही कौन कौन सी हमें रूल चेंजेस देखने को मिले, यही सब बातें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग। कल बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के द्वारा सारी बड़ी अनाउंसमेंट की जा चुकी है, जहां पर आईपीएल के बहुत सारे हमें रूल चेंजेस देखने को मिले हैं। इसके साथ ही इसकी तारीख भी अनाउंस हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या क्या अनाउंसमेंट और इसके साथ ही क्या क्या रूल चेंजेस अनाउंस कर दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो सौरव गांगुली ने इस चीज को फाइनलाइज कर दिया है कि आईपीएल 2023 में हमें मिनी आईपीएल ऑप्शन देखने को मिलेगा। दरअसल काफी सारी टीमें इनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि मिनी आईपीएल नहीं बल्कि मेगा ऑप्शन कंडक्ट करवाया जाए, जिससे कि वो अपनी टीम को और भी अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाएं। लेकिन इन्होंने इस बार कंफर्म कर दिया कि मेगा ऑक्शन अब 3 ईयर बाद ही होगा, यानी कि इस बार हम सभी लोगों को मिनी ऑक्शन ही देखने को मिलने वाला है। इसके बाद जो सेकंड अनाउंसमेंट सौरव गांगुली के द्वारा की गई है, वो है नंबर ऑफ प्लेयर्स में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। जहां पर लास्ट ईयर के मिनी आईपीएल के ऑक्शन की बात की जाए तो वहां पर हमें 250 से 260 प्लेयर्स ही नीलामी का हिस्सा बनते हुए नजर आते थे, जो कि फाइनल लिस्ट में शॉर्टलिस्ट होते थे। लेकिन इस बार इसको बढ़ाकर 350 कर दिया गया, यानी कि ज्यादा प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा आईपीएल की नीलामी में। इसका मतलब है कि आईपीएल का जो ऑक्शन है उसकी ड्यूरेशन भी आप लोगों को करीब 1.5 से 2 घंटा बढ़ते हुए नजर आएगी, और 1.5 से 2 घंटा ज्यादा ऑक्शन चलेगा और 350 प्लेयर्स के ऊपर आपको बिडिंग होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद जो अगला रूल चेंज हमारे सामने किया गया है, वो है बैलेंस पर्स को लेकर। दरअसल अभी तक हमें आईपीएल की सभी टीमों के पास सिर्फ 90 करोड़ का बैलेंस पर्स ही देखने को मिलता था, जो कि लास्ट ईयर ही इंक्रीज किया गया था 5 करोड़ से। लेकिन इस बार वापस से ऑक्शन को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए इसको एडिशनल बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो बैलेंस पर्स पहले 90 करोड़ था वो इस बार से आप लोगों को 95 करोड़ होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल अगर आप 10 टीमों से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 950 करोड़ का बैलेंस पर सभी टीमों के पास देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगली अनाउंसमेंट की गई है, वो है होम और अवे मुकाबलों को लेकर। दरअसल ये क्लियर कर दिया गया है कि हर एक आईपीएल टीम आप लोगों को 7 मुकाबले अपने घर पर खेलते हुए नजर आएगी, और 7 मुकाबले वो ओवरसीज खेलेंगे, यानी कि एक तरीके से दूसरे ग्राउंड पर जाकर खेलेंगे। तो ऐसे में होम और अवे मुकाबलों के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब सभी टीमों को अपनी स्ट्रेटजीज को वापस से बिल्ड करने का चांस मिलेगा, और नीलामी में वो उसी हिसाब से प्लेयर्स को परचेस करेंगे जो कि उनकी होम पिच को सूट करते हैं, क्योंकि 50% मुकाबले तो आपको अपनी होम पिच पर ही खेलने होते हैं, और ऐसे में अपनी होम पिच पर ज्यादातर टीमें जीतती हैं। तो ऐसे में उसी के अकॉर्डिंग वो आपको नीलामी में प्लेयर्स को खरीदते हुए नजर आएंगी। अब गाइस, अगर बात की जाए फाइनली इस नीलामी की तारीख कब अनाउंस की गई है, तो सौरव गांगुली ने बता दिया है कि आईपीएल की नीलामी आप लोगों को दिसंबर महीने के एंड में होते हुए देखने को मिलने वाली है, यानी कि दिसंबर 23 तारीख से लेकर दिसंबर 31 तारीख के बीच में आप लोगों को एक दिन के अंदर ही ये मिनी ऑप्शन कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये वीडियो ही तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।